नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए दोस्तों काल भैरव के मंदिर, जो कि है दोस्तों उज्जैन में। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम लोग आए हैं काल भैरव दर्शन के लिए। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो सामने में बहुत सारा स्टॉल्स यहाँ पे लगा होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अंदर। अंदर जाने से देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे जूता स्टैंड है, वहाँ पे जूता रख सकते हो। ये है दोस्तों काल भैरव का जो फ़ोटोज़ है वो यहाँ पे आपको ईजिली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे गुलाल वगैरह फूल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको वाइन शॉप भी देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों चढ़ावे के लिए ही होता है, अन्य यूज़ के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाता। देख सकते हो दोस्तों लोगों की भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। ये रहा दोस्तों रॉयल स्टेन, जो कि है दोस्तों वाइन। यहाँ से आपको वाइन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे तिलक वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि महाकाल में होता है वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कतार से जाना पड़ता है दोस्तों। कतार यहाँ पे आपको 7 से 8 बार क्रॉस करना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग अभी है दूसरे वाले कतार पे, देख सकते हो आप लोग सामने से काल भैरव का मंदिर कुछ इस प्रकार आपको दिखता है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कुछ कुछ लोग हैं जो इच्छाएं से अपना जो धागा जो मिलता है दोस्तों पूजा की थाली में, उसको बांध दिए हैं यहाँ पे। देख सकते हो दोस्तों इतने सारे कतार यहाँ पे लगे हुए हैं, ताकि भीड़ को यहाँ से रोका जा सके दोस्तों। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो अभी 2 ही 3 कतार बचे हैं। ये सामने काल भैरव का मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो भीड़ इतना ज़्यादा है कि दोस्तों आगे जाने में बहुत ज़्यादा ही देर हो सकता है, दिक्कत जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा, भक्तों की लाइन बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। देख सकते हो हम लोग अभी थोड़ा सा आगे आए हैं। तो दोस्तों वीडियो क्लियर बनाने की कोशिश की है, अगर क्लियर नहीं बना हो दोस्तों तो माफ़ करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा था कि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा था। अभी धीरे से हम लोग ऊपर जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो लोग ऊपर के साइड चढ़े हुए हैं। तो ये दोस्तों काल भैरव का जो भी पूजा यहाँ पे आरती होता है वो यहाँ पे दीप जलता है इसमें। हम लोग आ चुके दोस्तों ऊपर के साइड, यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा है कि दोस्तों खड़े होते नहीं बन पा रहे हैं। देख सकते हो श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन, पारसनाथ जी महाराज महर्षि धाम उज्जैन। तो दोस्तों हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो में। ये दोस्तों हम लोग साइड की तरफ से आ चुके हैं ऊपर में, देख सकते हो यहाँ भीड़ लोगों की कितना ज़्यादा है। ये काल भैरव का सवारी है दोस्तों, देख सकते हो। जैसे कि आप लोग को पता होगा दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाना अवेलेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो अपन लोग बना सकते हैं। वहाँ पे क्या है, दिक्कत जाता है दर्शन करने के लिए दोस्तों भक्तों को, इसलिए वहाँ पे वीडियो बनाना अवेलेबल नहीं है, बाकी वीडियो बना सकते हो। देख सकते हो दोस्तों क्लियर आप लोग को दिखा देते हो भगवान काल भैरव के दर्शन हो गए हो दोस्तों। तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और कमेंट में दोस्तों जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। फाइनली दोस्तों दर्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर के साइड। तो अंदर के साइड देख सकते हो श्रद्धालुओं का भीड़, देख सकते हो यहाँ पे यह दोस्तों दीप ज्योति, देख सकते हो वहाँ पे और लोगों की भीड़ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे है दोस्तों एक शिवलिंग मंदिर, जहाँ पे हम लोग अभी दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग धागा बांध सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों शिवलिंग है यहाँ पे। ये देख सकते हो लोगों की भीड़ यहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं नीचे के साइड दोस्तों, नीचे के साइड भी एक मंदिर है आप लोग को दिखाना चाहता हूँ मैं। ये दोस्तों नीचे के साइड एक मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे दंत्रेय मंदिर,
जो कि है दोस्तों रिलेटेड एक मुखी भगवान के ऊपर, देख सकते हो यहाँ पे। यह है दोस्तों दीप जो कि आरती के समय जलता है सुबह शाम, यहाँ पे